हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लॉगिंग चैनल कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, आज कल आप लोग जो है देख रहे हैं ब्लॉग चैनल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी ब्लॉग चैनल बनाएं और वीडियोस अपलोड करें, लेकिन कई लोग जानते नहीं हैं कि ब्लॉग चैनल कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से ग्रो होता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्लॉग चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग चैनल है तन्नू वर्मा ब्लॉग, ठीक है। ये फैमिली ब्लॉग है, मतलब भाभी के नाम से चलता है चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है 7 घंटे पहले जो है 11,000 व्यूज़ आया था और यहाँ पर जो है 1 दिन पहले 8,000 और 3 दिन पहले जो है 34,000 व्यूज़ आया था और जो है यहाँ पर 6 दिन पहले 32,000 व्यूज़ आया था। दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से मेरा व्लॉगिंग चैनल पर व्यूज़ आते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा कि व्लॉग चैनल कैसे स्टार्ट किया जाते हैं और आप लोग जो है किस प्रकार से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले व्लॉग चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली यूट्यूब ऐप को ओपन करना होगा। दोस्तों, यूट्यूब जैसे ऐप को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पर एक लोगो दिखेगा आपके नाम की ही तरह, ठीक है। आपके नाम का जो है पहला अक्षर आपको दिखेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूअर चैनल में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यूअर चैनल या फिर क्रिएट चैनल दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो है चैनल क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, बट यहाँ पर आपको सबसे पहले कस्टमाइज करना होता है। तो कस्टमाइज किस प्रकार से करते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले लोगो लगाना है, अपना प्रोफाइल लगाना है, जिस प्रकार से आप जो है व्हाट्सअप में लगाते हैं या फिर इंस्टाग्राम में लगाते हैं उस प्रकार से भी यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल लगाना होगा। तो चूज़ फ्रॉम फोटोज़ आपको इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपनी गैलरी से जो है फोटो को जो है चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है अपना खुद का फोटो चॉइस करना है। दोस्तों, ठीक है, ब्लॉग चैनल पर खुद का फोटो रहना चाहिए, ना कि कोई लोगो रहना चाहिए, खुद का फोटो ही बेहतरीन रहता है ब्लॉग चैनल के, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको बैकग्राउंड में भी जो है एक बैनर डालने के लिए बोला जाएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। लोगो डालने के बाद यहां पर बैनर आपको डाल देना है और यहां पर जो है अपने हिसाब से जो है बैनर को जो है बना लेना है, जैसे भी बनता है मैं और कोई वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी जो है सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है चैनल बनकर जो है तैयार हो गए हैं। दोस्तों, लेकिन इसको अभी जो है कस्टमाइज़ करना बाकी है। तो कस्टमाइज किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद आपका जो है चैनल जो है बूस्ट हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चैनल जो है बनकर रेडी हो गए हैं, राधे श्याम शाहू ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर राधे श्याम शाहू करके अपना ही नाम लिखना है। दोस्तों, ठीक है, व्लॉग चैनल पर अपना ही नाम, जैसे कि मेरा नाम विनोद वर्मा है तो मैं यहाँ पर विनोद वर्मा ब्लॉग लिख सकता हूँ, ठीक है। ब्लॉग चैनल खोल रहा हूँ था, ना कि कोई अदर्स नेम, ठीक है। तो अपना ही नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, उस क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है youtube.com लिखना है, youtube.com, ठीक है। और इसको जो है डेस्कटॉप मोड में ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्यूटर के साइज़ ही दिखेगा। दोस्तों, और यहाँ पर जो है अपना जो प्रोफाइल डाले थे ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपने लोगो में क्लिक कर देना है और यूअर चैनल में आपको क्लिक कर देना है। यूअर चैनल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इसमें सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर कस्टमाइज चैनल के लिए जो है आपको रीडायरेक्ट कर देगा studiobeta.com में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कस्टमाइज चैनल यहाँ से आप जो है इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको चैनल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा सेटिंग आप कर लेंगे ना, उसके बाद जो है आपका ब्लॉगिंग चैनल जो है स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद यहां पर आपको जो है सेलेक्ट कंट्री कर लेना है। तो यहां पर जो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया है, तो यहां पर जो है इंडिया को जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहां पर जो है आपका जो चैनल है कौन से टाइप का है, बच्चों के देखने लायक है कि नहीं, तो ठीक है, तो आपको इसको सेट करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैनल बच्चों के लिए नहीं है, मात्र जो है जो भी व्लॉगिंग देखते हैं ना, मतलब बड़ों के लिए है, ठीक है, ज़्यादातर व्लॉगिंग चैनल बड़े ही देखते हैं। तो यहाँ पर नो, मेरा जो चैनल है बच्चों के लिए नहीं है, आपको इसमें सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सेटिंग हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर फिंगर एलिजिबिलिटी आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दिख रहा होगा आपको इंटरमीडिएट, आपको इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर देकर आपको यहाँ पर वेरीफाई हो जाना है, ठीक है, अपने चैनल को जो है वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद जो है अपने चैनल को जो है वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है आप इसमें आप कस्टमर थंबनेल लगा सकते हैं और जो है 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे अपने चैनल को तो यहाँ पर जो है आप 10 मिनट से कम ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, और आप जो है कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते हैं, जो फ्रंट में रहता है ना पोस्टर टाइप वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप किस इस प्रकार से जो है चैनल को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा चैनल बनाने का बात, और यहाँ पर जो है इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ये सेटिंग कर लोगे यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसको जो है सेव कर लेना है। उसके बाद जो है आपका चैनल पूर्ण रूप से जो है रेडी हो जाएगा वीडियोस अपलोड होने के लिए। यहाँ पर जो है 0 सब्सक्राइबर हैं, 0 वीडियोस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियोस डालना पड़ेगा दोस्तों। मैं कल के डेट में आप लोगों को बताऊँगा आप किस प्रकार से जो है वीडियोस आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है, व्लॉगिंग चैनल पर किस प्रकार से वीडियोस को डाला जाता है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली जो है यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलता रहेगा दोस्तों, और ज़्यादातर जो है व्लॉगिंग चैनल के ही बारे में हम लोग जो है बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।